हाँ भाई, तो बच्चों क्या हालचाल है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है। हमसे कह रहा है ना, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इतने, व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस अ अनदर क्रॉस सेक्शन इतने पर सेकंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब। भाई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछा, बताओ टोटल करंट कितनी होगी। तो आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट आई है प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट आई है, दोनों ऐड अप हो जाएंगी, टोटल करंट निकल कर आ जाएगी। तो कैसे निकालते हैं उसको, देखो सॉल्यूशन। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भी लपेट चुके हैं हम, ठीक है भाई। तो हम निकालेंगे टोटल करंट, आई टी की बात कर लेंगे, ये सिर्फ आई भी कह सकते हो, आई टी कह सकते हो या फिर आई कह सकते हो, क्योंकि टोटल करंट फिर भी निकालनी है आपको। अब ये किसकी वजह से है, ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये है नेगेटिव चार्ज की। आई होप ये वाली बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब करंट कैसे निकालते हैं, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम लगाओ चार्ज, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू पी अपॉन टी। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू एन अपॉन टी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ओ आ गई, आ गई। अब मैं क्यू पी को लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कहूँगा क्यू। अब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। कितना हमारे पास पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का चार्ज कितना, तो मैं एन लगाऊंगा। तो यहाँ पर एन जो आएगा, स्पेशली जब पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो भाई प्रोटॉन की वजह से आएगा, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, टी ऐसे रह जाएगा। प्लस इसकी बात करोगे निगेटिव, निगेटिव किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की नंबर और साथ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, टी नीचे। तो आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से ई अपॉन टी कॉमन आ गया, तो बचेगा एन पी प्लस एन ई, और यहाँ से बचेगा ई अपॉन टी। बेसिक चीज़ थी, समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। आई टी इज इक्वल टू एन पी की वैल्यू बताओ कितने हेयर, चलो यहाँ लिख देते हैं एन पी। प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस, प्रोटॉन है 1.1 × 10⁻¹⁸। और साथ में हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एन ई की वैल्यू कितनी है जो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट कर रहे हैं, 3.1 × 10⁻¹⁸, इतने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ सॉल्यूशन अब नहीं दिखाऊंगा मैं, सॉल्यूशन यहीं दिखाऊंगा। रखो वैल्यू, आई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, E अपॉन T। तो पहले NP की वैल्यू पुट करो, NP कितना 1.1 × 10⁻¹⁸ प्लस NE की वैल्यू पुट करो 3.1 × 10⁻¹⁸, और ब्रैकेट बंद कर दी। E की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹, और नीचे टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं पर सेकेंड की, हर एक सेकेंड में। बस इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर। तो आई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, देखो सॉल्व करने का तरीका, 10⁻¹⁸ इसके पास भी है, 10⁻¹⁸ इसके पास भी, दोनों के पास 10⁻¹⁸ है, ऐसे कॉमन ले लो। तो जो अंदर बचेगा फिर वो जुड़ जाएंगे, तो अंदर बचा 3.1 + 1.1, तो ये जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, क्योंकि 3.1 में 1.1 ऐड करो तो 4.2, और 10⁻¹⁸ बाहर चला गया, तो 1.6 10⁻¹⁸ बाहर निकल गया, ऊपर 10⁻¹⁹ पहले से भी था। अब देखो 10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁸ जब पावर को जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10⁻¹⁹, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4.2 × 1.6, और यहाँ निकल कर आएगा 10⁻¹⁹। बस इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लो, आपके सामने आपका आंसर बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, लो हाथों हाथ ही दिखा देते हैं कितना, इसको पूरे पूरे नंबर ले लो, पूरे पूरे नंबर ले लो, 42 एक है और 16 एक है, फिर मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट वाली मैथड अपनाओ, 6 × 12 कैरी 1, 6 × 24 और 2 26, और एक और जोड़ दो कितने हो गए, 27 का 7 कैरी 2, 4 × 8 और 2 = 10। तो ये आ चुका है 1072। अभी क्या सही कर रहा हूँ मैं, इसका सही लिख रहा है, ये कहाँ मिस्टेक हो रही है, 0.672 आना चाहिए इसका आंसर। देखो फिर भी अच्छा, डायरेक्ट वैसे करें 1072 तो आया था इससे, और जरा उससे करते हैं अपने वही देसी तरीके से। देसी तरीका क्या है भाई, 42 की मल्टीप्लाई करनी है 16 से, 6 × 12 = 2 कैरी 1,
और जी 6 6 24 25 का 25 25 और ये हो जाएगा 42 2 7 6। ओ अबे शॉर्टकट फेल हो गई शॉर्टकट फेल हो गई, फेल ना हो, ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है जल्दबाजी में, वो जल्दी का काम रहता है ना, तो इसीलिए भाई उसको भूल जाओ। चलो देसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 672। यार शॉर्टकट भी काम करनी चाहिए यार, बिल्कुल काम करनी चाहिए, 672 ही आना चाहिए। मैं शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा, नहीं मैं तो शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा क्या है शॉर्टकट देखो भाई, 42 की मल्टीप्लाई करनी है 16 से, तो सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 कैरी कितना गया 1, फिर आप करते हो इनकी मल्टीप्लाई, तो 6 6 24 और 2 1 2 24 में और 2 जोड़ लो कितना हो गया, 24 और 2 कितना हो गया 26 और 1 27, 27 का 7 कैरी 2। तो यार सही तो लिख रखा था, 4 1 4 2 6 भाई सही था बिल्कुल, कहीं ना कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो गई थी, ट्रिक में कोई गलती नहीं है। तो 672 इसका आंसर आ चुका है, 672। अब मुझे बताओ पॉइंट कितने के बाद लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 6.72 और 10 की पावर माइनस का 1 अलग से चल रहा है भाई, इस माइनस 1 को भी ख़त्म कर दो, बुरा लग रहा जब 10 की पावर माइनस 1। अब देखो जब पॉइंट पावर जब ख़त्म होगी तो पॉइंट एक प्लस इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.672 और ये वैल्यू किसकी है, करंट की, तो ये हो जाएगा इतने एम्पियर। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, तो भाई उसके लिए एक छोटा सा उसका हिसाब का तरीका, उसके हिसाब का तरीका बच्चों वाला, मैंने कहा भाई क्या है कि तेरे पास 6 कितना था भाई, ये 6.72 था, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब यही तो होता है 10। अब जब आपको पता है 10 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट किधर को आ जाता है, इधर को, लेफ्ट हैंड साइड को खिसक जाता, तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। तो ये आपने करंट निकाल ली भाई, आई होप आपने समझ लिया होगा आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो छोड़ने का नहीं है एक भी न्यूमेरिकल, सब करने के। थैंक यू।